सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस वीडियो का लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं वो जीएम का न्यू अपडेट के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यार कैसे हो, तो फिर से हम आ चुका है एक ब्रांड रिव्यू न्यू डिवाइन टॉपिक की वीडियो में। तो जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि मैं एक न्यू वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसका टाइटल होगा क्यों 4G इतना कम टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आज का इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्यों 4G इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिसका कारण 4G इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। सर आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, भाई मैं मोनेटाइजेशन का बहुत ही करीब हूँ और कुछ सब्सक्राइबर और कुछ वॉच टाइम चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। और भाई जब भी मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा मैं अपनी फेस कैम के साथ और एक ब्रांड दी न्यू कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसके ऊपर भी मेरा काम चल रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई, 4G पॉपुलर होने का बहुत सारा पॉइंट है। नंबर वन पॉइंट, पबजी इंडिया में बैन हुआ। तो यार आप लोगों को याद ही होगा पबजी जब इंडिया में बैन हुआ था ठीक उसी टाइम पबजी लवर का क्या हाल हुआ था, पबजी लवर का पूरा बैंड बज गया था। ये सोच रहा था अगर हम करें तो करें क्या, खेलूं तो खेलूं क्या। इसी बात को नजर रखते हुए इंडिया में एक गेम का अनाउंसमेंट हुआ जिसका नाम है 4G, और इस गेम का पोस्टर बना था पॉलिसन ऑफ इनोसेंस सॉन्ग का पोस्टर लेके। ये था नंबर वन पॉइंट 4G पॉपुलर होने का। अब बात करते हैं नंबर टू पॉइंट पे, इस गेम का अनाउंसमेंट को लेकर। इस गेम का अनाउंसमेंट किया था बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सेन ने उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पे डेट ऑफ 4th September 2020। तो भाई ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है 4G गेम का पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी किसी गेम के अनाउंसमेंट कर रहा है, मतलब उस गेम के अंदर कुछ ना कुछ तो है ही। तो अभी चलो हमारा तीसरा पॉइंट पे, इस गेम का लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं। 4G गेम लॉन्च हुआ था 26 जनवरी 2021 को, यानी कि जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे था, क्योंकि जिस दिन हमारा प्रजातंत्र दिवस है उस दिन इंडिया का एक अच्छा गेम लॉन्च होने वाला है, तो सभी उसके ऊपर नजर तो देंगे ना, इसीलिए उस गेम का लॉन्च किया गया था उस दिन। सर अब चलिए बढ़ते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सर पॉइंट नंबर 4 है कि एक स्टोरी वाला गेम है, तो जो गेम लवर थे वो पहले से एक्शन गेम खेल चुके थे, पबजी फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत सारा जो एक्शन गेम है उसे खेल चुके थे, लेकिन उन लोगों को कुछ नया चाहिए था। तो इसलिए 4G गेम का जो डेवलपर है एनकोर गेम कंपनी, उन्होंने बताया कि ये जो न्यू 4G गेम आने वाला है ये गेम स्टोरी वाला गेम होने वाला है, तो इसलिए जो गेम लवर था उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये गेम। तो अभी चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, और पॉइंट नंबर 5 है कि इस गेम का रियल स्टोरी। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4G पॉपुलर होने के लिए। सर आप लोगों को तो याद ही होगा कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा था, इंडिया के बॉर्डर में चाइना ने इंडिया के साथ जो घटनाएं घटाई थी उस घटना को लेकर एनकोर गेम कंपनी ने 4G गेम को बनाया, क्योंकि 4G गेम को हम जब खेलने के लिए ओपन करते हैं तो पहले हमें कुछ स्टोरी बता दिया जाता है, उसके बाद गेम प्ले आता है। गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। तो जब भी हम उस गेम प्ले को खेलते हैं तो उसके अंदर दिखाई देता है एक इंडियन पंजाबी सोल्जर फाइट करता है कुछ चाइनीज सोल्जर के साथ। तो इसे देखते हुए हमें सब सब पता चलता है कि ये जो गेम बना है उसी घटना को लेकर इस गेम को बना है, और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छा एक स्टोरी है, और इसी स्टोरी के लिए भी 4G इतना पॉपुलर है। और सबसे लास्ट में मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो 4G गेम है इस गेम का न्यू डेवलपर आ चुका है जिसका नेम है तिकेश बिश्नोई। इसका कारण हमें बहुत जल्दी 4G गेम का न्यू अपडेट मिलने वाला है, और इस गेम का नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है इस अपडेट के अंदर में हम लोगों को PvP 5v5 मोड देखने को मिलेगा, और ये जो 5v5 PvP मोड कैसा दिखने वाला है उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया था इनकोर गेम का जो ऑफिशियल चैनल है उसके अंदर। इसका जो बिल्डिंग है ये कुछ ऐसा टाइप के दिखने वाला है, इसका जो रोड है आप देख सकते हो ऐसा टाइप के दिखने वाला है, बहुत ही कमाल का जो ग्राफिक्स है बनाया उन लोगों ने। इसका मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग को नेक्स्ट अपडेट मिलने वाला है, तो तभी 4G गेम और स्टोरी वाला गेम नहीं रहेगा, वो एक एक्शन वाला गेम बन जाएगा। मुझे लगता है तभी सब गेमर ने 4G गेम को खेलना स्टार्ट कर देगा, और जब 4G गेम का नेक्स्ट अपडेट आएगा उस अपडेट के ऊपर मेरा चैनल पे भी वीडियो आएगा। तो यार बस आज का जानकारी यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और हाँ इस टॉपिक के ऊपर और आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो लेकर आऊँगा। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को कौन सा वीडियो देखना पसंद होगा
तो आप लोग वो भी कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। और हाँ, जैसे कि मैं वीडियो का पहले बताया था, मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन के लिए कुछ सब्सक्राइबर और कुछ वॉच टाइम चाहिए, तो यार प्लीज चैनल को थोड़ा सा फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे न्यू कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।